हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज आपके लिए लेकर आ गया हूं। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के 2023 और 24 के सिलेबस के बारे में कि कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, कौन सा आपका रिड्यूस कर दिया गया है टॉपिक, और कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है। तो तैयार हो जाओ। तो स्टेप बाय स्टेप हम शुरुआत करते हैं, वन बाय वन देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का कंप्लीट लेटेस्ट सिलेबस 2023 और 24 के लिए। आपका इसमें आपके 5 यूनिट आपके पढ़नी पड़ती है। 5 यूनिट में सबसे पहली फर्स्ट यूनिट आपकी आती है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपका कंफर्म वैटेज रखती है कंप्लीट टोटल 15 मार्क्स का। कम से कम आपके 15 नंबर यानी कि 15 मार्क्स आपके यहां से मिलेंगे आपको। नंबर सेकंड आपका आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये आपका वेटेज रखती है 10 मार्क्स का। नंबर थ्री आती है सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, जो आपकी कंप्लीट वेटेज रखती है 15 मार्क्स का। इसके बाद आता है आपका नंबर फोर यूनिट, जो प्लांट फिजियोलॉजी से है, और प्लांट फिजियोलॉजी में आप देखोगे यार ये आपकी 12 नंबर की आपको यहां देखने को मिलेगी। साथ में नंबर फाइव है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आपको कंप्लीट 18 मार्क्स की देखने को मिलती है, और टोटल आपके मार्क्स होते हैं 70 यानी 70 नंबर का पूरा पेपर आपका मिलेगा सीबीएसई में। तो देखिएगा वन बाय वन हम यूनिट्स के बाद पार्ट्स देखते हैं कि यार किस यूनिट में किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है और कौन सा एग्जाम में आपके आने वाला है। तो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरी कंप्लीट वीडियो को देखें, ये आपके लिए पूरी साल के लिए पूरी ईयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, द फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड में से आपकी कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं वो देखिएगा। इसमें से आपके यहाँ पर डिलीटेड टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, टैक्सोनॉमिकल एड्स आपके यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है, और यहाँ पर बोटनिकल गार्डन्स डिलीट कर दिया गया है, टॉपिक है म्यूजियम भी यहाँ डिलीट कर दिया गया है, और जूलॉजिकल पार्क भी यहाँ डिलीट कर दिया गया है। यानी कि ये एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आने वाले हैं, याद रखिएगा ये डिलीटेड टॉपिक है आपके, कंफर्म डिलीटेड टॉपिक है, पूरा का पूरा डिलीटेड टॉपिक है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है आपको, बायोडायवर्सिटी पढ़ना है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन ऑफ लाइफ पढ़ना है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, और टैक्सोनॉमिकल हेरिट्री और बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में यहां पर आपको पढ़ना है। नंबर सेकंड आता है चैप्टर नंबर सेकंड, यानी कि हम बात करें यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें से आपका कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। यानी कि जो ये चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपके एग्जाम में पूरा कंप्लीटली आपका आने वाला है, जिसमें आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, इनके बारे में पूरा पढ़ना है कि मेजर रूप कौन से है, लाइकेन, आपके वायरस एंड वायरोइड के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। अब देखिएगा यहां पर नंबर थर्ड चैप्टर आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में से आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। देखिएगा प्लांट किंगडम में से आपका मेनली जो डिलीटेड पोर्शन है उसकी मैं बात करूंगा, कि पूरी एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से आपका एंजियोस्पर्म पूरा डिलीट कर दिया गया है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये वाला टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है। तो भाई ये दोनों टॉपिक को बहुत गौर से देख लें, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड 2023-24 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिएगा चैप्टर नंबर फोर की हम बात करते हैं, यूनिट नंबर में फर्स्ट में से चैप्टर नंबर फोर आपका आता है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में से आपका एक भी टॉपिक बहुत बुरी खबर है, लेकिन मेरे दोस्तों आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा कि इसमें से कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, आपको कंप्लीट आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है इसके बारे में। तो भाई यहां पर चैप्टर नंबर फाइव की मैं बात करूंगा, चैप्टर नंबर फाइव आपका आता है यूनिट नंबर सेकंड से, और यूनिट नंबर सेकंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, और चैप्टर नंबर फाइव है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में काफी टॉपिक है जो डिलीटेड यहां पर है, जिनको ध्यान से देखना है, एनसीईआरटी के पन्ने आपको पलटने, आज के आज ही आपको पन्ने पलटने हैं। देखिएगा सबसे पहले जो डिलीटेड पोर्शन है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, यहां से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी नहीं पढ़ना है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स भी यहां से डिलीट कर दिया गया है,
और यहां से दो फैमिलीज यहां से डिलीटेड है। यहां पर एक तो फेवेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली यहां से कंप्लीट डिलीटेड है। तो भाई ये डिलीटेड पोर्शन है, आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और बाकी के जो जितने भी पोर्शन है आपको सब पोर्शन यहां पर पढ़ने हैं। क्या मोर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये कंप्लीट आएगा, जिसमें आपका रूट स्टेम लीफ के बारे में, इनफ्लोरेसेंस के बारे में, फ्रूट सीड के बारे में कंप्लीट आपका आ जाएगा। बाकी ये टॉपिक यहां से डिलीटेड है। अब यूनिट नंबर सेकंड में से आपका अगला आता है चैप्टर नंबर सिक्स आता है। चैप्टर नंबर सिक्स की मैं बात करूंगा, ये आपका आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें से कुछ मेन मेन जो टॉपिक है वो कंप्लीटली यहां से हटा दिए गए हैं, यानी क्लीन बोर्ड हो चुके हैं, जिनको बिल्कुल भी हाथ तक नहीं लगाना है। आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना कि यार टिश्यू क्या होता है, द टिश्यू नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी के टॉपिक है, देख लीजिएगा एक बार, टिक कर लो मेरे साथ साथ। नंबर सेकंड है मेरिस्टमेटिक टिश्यू नहीं पढ़ना है, साथ में सिंपल टिश्यू यहां पर नहीं पढ़ना है जो परमानेंट टिश्यू का पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी नहीं पढ़ना है, जो भी परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं वो नहीं पढ़ने आपको, और सेकेंडरी ग्रोथ यहां से बिल्कुल हटा दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग भी यहां से हटा दिया गया है, और देखो स्प्रिंग वुड एंड ऑटोमन वुड भी यहां से हटा दिया गया है, कॉर्क कैम्बियम भी यहां से हटा दिया गया है, और सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स भी यहां से हटा दिया गया है। ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में से 2023 में से यहां से डिलीटेड कर दिए गए, 23 और 24 में से यहां से कंफर्म हटा दिए गए डिलीटेड टॉपिक हैं। तो गाइज यहां पर इन टॉपिक्स को बहुत, यानी कि बहुत कॉन्शियस होके फोकस होकर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर आता है आपका चैप्टर नंबर 7 की मैं बात करूंगा। चैप्टर नंबर 7 यहां पर यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट है, इसमें से देखिएगा चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपकी मोर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स आपको पूरा पढ़ना है, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्व्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ये इसमें से यहां पर आने वाला है। इसमें से कौन कौन सा टॉपिक यहां से हटा दिया गया वो भी यहां पर देखने वाले हैं। देखिएगा कि यार आपका मेनली इसमें से कौन कौन सा टॉपिक डिलीटेड है वो देखिएगा। यहां से एनिमल टिश्यू कंप्लीट डिलीटेड कर दिया गया है, एपिथेलियल टिश्यू भी कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है, कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट यहां से डिलीट कर दिया गया है, मसल टिश्यू भी कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है, न्यूरल टिश्यू भी डिलीट कर दिया गया है, अर्थवर्म तो पिछली बार भी हटा दिया गया था याद रखना, लेकिन फ्रॉग में से क्या पढ़ना है, देखो फ्रॉग है, फ्रॉग में से आपको याद रखना मेन आपका यहां पर फ्रॉग आता है और कॉकरोच आता है, कॉकरोच कंप्लीट यहां पर पढ़ना है, और फ्रॉग में जो पार्ट दिए गए हैं डिफरेंट सिस्टम दिए गए हैं वो कंप्लीट आपको पढ़ना है कि यार यहां पर डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्व्स रिप्रोडक्टिव जितने भी सिस्टम दिए गए हैं वो पूरा यहां पर पढ़ना है। अब देखना अगला यहां पर आता है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, और ध्यान से देखना कि जो चैप्टर नंबर 8 है वो आपका कंप्लीट आने वाला है, जो बेसिक यूनिट मानी जाती है एक बायोलॉजी की, कंप्लीट यहां पर बोलते ना कि बेसिक स्टडी होती है सेल की। तो भाई यहां पर आपकी थर्ड यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें से आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें से कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, ये पूरा चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 9 है आपका बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल्स में से काफी सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं। फर्स्ट टॉपिक यहां पर डिलीट किया गया है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर्स में से, ये पूरा टॉपिक है वो हटा दिया गया है याद रखना। नंबर सेकेंड है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी हटा दिया गया है कंप्लीटली। मेटाबोलिक वेसेस ऑफ लिविंग, ये भी हटा दिया गया है। द लिविंग स्टेट, ये भी यहां से हटा दिया गया। तो यानी कि यहां से आपके कंप्लीट 4 टॉपिक्स यहां से हटाए गए हैं बायोमोलिक्यूल में से, और बाकी का बाकी पूरा कंप्लीट पोर्शन यहां से आने वाला है आपका, पूरा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्ट्रक्चर फंक्शन पूरा यहां पर पढ़ना है। लेकिन जो यहां से आपके जितने भी टॉपिक है, जैसे यहां पर टॉपिक एक्सक्लूडेड टॉपिक यहां पर अलग से दिए गए हैं सिलेबस में कि द नेम ऑफ द लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर्स, ये आप सिलेबस जाके भी देख सकते हैं, कहां पर सीबीएसई की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं मेरे प्यारे। अब देखना यहां पर और कौन कौन से टॉपिक है, अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कंप्लीट चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है देखिएगा। अब यहां पर चैप्टर नंबर 11, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि चैप्टर नंबर 11 प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, और वो उसमें से आपका याद करने में बहुत ज्यादा हेक्टिक भी होता था, इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन यहां से आपके सीबीएसई ने उसको कंप्लीटली ये चैप्टर को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 12 यहां पर हटाया है नहीं हटाया देखिएगा, चैप्टर नंबर 12 भी यहां पर कंप्लीट हटा दिया गया है दोस्तों। तो भाई ये बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात है कि आपका इतना ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है,
काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर रिड्यूस किए गए हैं, जिसमें से आप देखोगे मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 13 की मैं बात करता हूँ, चैप्टर 13 आपका कंप्लीट सिलेबस में आने वाला है, यानी कि इसमें से कोई भी पार्ट यहाँ पर डिलीटेड नहीं, यानी पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें से आपको फोटोसिंथेसिस एज ए मीन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, साथ में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है, इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, फोटोकेमिकल्स एंड बायोसिंथेटिक्स के बारे में पढ़ना है, फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो प्रोड्यूस, फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ना है, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होगी, ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना है। C3C4 जो पाथवे होता है, उनके फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होंगे। तो इस चैप्टर एक कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर आने वाला है, चैप्टर नंबर 13 आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा टेक्निकल यानी फिलोलॉजिकल चैप्टर, तो भाई इसको जरूर से पढ़े, एग्जाम में आने वाला है, याद रखिएगा पूरा चैप्टर आएगा, यहां से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। देखो अब चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की, तो भाई रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपका कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, यानी कि यहां पर आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 14 को पढ़ना है, और ये देखिएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां से मेन पढ़ना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, पूरी आपको पूरी साइकिल बना के पढ़ना है, साथ में जो आपका फ्रेगमेंटेशन है, एरोबिक स्टीसीय साइकिल हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, तो वो एरोबिक साइकिल हो गया, तो भाई यहां पर पूरा पढ़ना है, एरोबिक और एनएरोबिक साइकिल कंप्लीट यहां पर पढ़ना है, और एम्फीबोलिक पाथवे ये भी यहां पर पूरा कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर आपका यहां पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 15 कुछ टॉपिक यहां पर डिलीट होने, देखिएगा ध्यान से देखना, यहां पर आपका यूनिट नंबर 4 है प्लांट फिजियो में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीटेड हुए हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट टॉपिक है आपका फोटो प्रोड्यूसिंग, ये यहां पर कंप्लीटली हटा दिया गया टॉपिक है, याद रखना। यहां पर नंबर 2 बल्बनाइजेशन भी यहां पर कंप्लीट हटा दिया गया है, और सीड डोरमेंसी यहां पर कंप्लीट यहां पर हटा दिया गया है, तो भाई यहां पर याद रखो यार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर यहां पर आपका 3 टॉपिक हटाए गए हैं, जो एनसीईआरटी के पीछे के पन्ने पर आप जाके देख लें एक बार, आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा मैं बात करूं चैप्टर नंबर 16, तो यह कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड, वाओ यार बहुत अच्छी खबर है, यानी कि यहां पर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये कंप्लीट चैप्टर आपका रिड्यूस यहां पर कर दिया गया दोस्तों, तो भाई ध्यान से देखो चैप्टर नंबर 16 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, याद रखना। चैप्टर नंबर 17 की बात करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, आपको इसमें से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, और पूरा का पूरा रेगुलेशन गैसेस का एक्सचेंज का रेगुलेशन कैसे होता है वो कंप्लीट पढ़ना है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में क्या होता है पूरा यहां आपको पढ़ना है, अस्थमा के बारे में कौन कौन सी यहां पर आपको डिजीज देखने को मिलेगी, डिसऑर्डर कौन से होंगे, ये कंप्लीट आपको देखना है, तो भाई चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट आपके एनसीईआरटी में से आने वाला है, तो तैयार हो जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का दोस्तों। अब मैं बात करूं चैप्टर नंबर 18 की, तो चैप्टर नंबर 18 भी यहां पर कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आप देखोगे यार बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये इसमें से कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड ऑफ लिम्फ के बारे में पढ़ना है, यहाँ जो कार्डिक साइकिल्स चलती है पूरा उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हाइपरटेंशन हो गया, कोरोनरी आर्टरी हो गई, डिजीज होगी, तो भाई इन सब के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है कि हार्ट फेलियर क्या होगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो एनसीईआरटी से जाके एक बार जरूर से जरूर रीड करें, इसमें से कुछ भी डिलीटेड टॉपिक्स नहीं है, कंप्लीट चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 18 आने वाला है दोस्तों। अब चैप्टर नंबर 19 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 19 भी भाई यह बहुत खुशखबरी है कि भाई यहां भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, देखो यार ये है एस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स, यहां पर देखो प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये देखो यार इसमें से कुछ भी यहां पर डिलीटेड नहीं है, जैसे मोड ऑफ एस्पिरेशन में अमोनिलिज्म क्या होगा, यूरिनलिज्म क्या होगा, भाई ये आपको पूरा पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपको यहां पर पढ़ना है, कंप्लीट एनसीईआरटी उठाओ एक बार देखो, कंप्लीट ये टॉपिक पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर आपके आने वाला है, याद रखिएगा चैप्टर 19 में से कुछ भी रिलेटेड नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 20 की बात करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कंप्लीट चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो भाई तैयार हो जाओ और यहां पर लग जाओ स्टडी के लिए। चैप्टर नंबर 21 की बात करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
इसमें से कुछ टॉपिक डिलीटेड है जिनको आपको बहुत गौर से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिएगा भाई, यहां पर आपका एक मेन टॉपिक आता था पहले, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, जो कंप्लीट हटा दिया गया एग्जाम में से, नहीं आने वाला इस बार। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, ये भी यहां से हटा दिया गया है। आपकी दो आय है, आय भी यहां पर नहीं पूछेगा। मैकेनिज्म ऑफ विजन, आय से ही मैकेनिज्म आती है, वो भी हटा दी गई है यहां से। द ईयर, ईयर नहीं पूछेगा, कान के जितने भी फंक्शन वो भी नहीं पूछने वाला है। ईयर यहां से रिमूव कर दिया गया, रिड्यूस हो चुका है। और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये भी रिड्यूस हो चुके हैं। यानी कि ये पूरा टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में से, आपके चैप्टर नंबर 21 यानी 21 में से, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से कंप्लीट यहां से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो भाई ये कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत ही खुशी की बात है। और आपको बहुत कम चीजें यहां से पढ़नी है। न्यूरॉन देखो यार, कितनी सी चीज पढ़नी है। न्यूरॉन एंड नर्व्स पढ़ना है, नर्व सिस्टम इन ह्यूमंस में से आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, बिसेरियल सिस्टम नर्वस सिस्टम, और भाई जनरेशन इन कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व्स इंपल्स के बारे में पढ़ना है। बाकी के टॉपिक यहां से बिल्कुल भी आपको यहां टच भी नहीं करना है दोस्तों। तो भाई यहां पर देखिएगा, अगले चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर नंबर 22 की बात करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अब देखो यार, यहां पर आज कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में पूरा यहां पढ़ना है कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा। तो कंप्लीट आपको यहां एनसीईआरटी का जो भी यहां टॉपिक दिया गया चैप्टर नंबर 22 में, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड यहां आपका इरिग्रेशन में पूरा पूरा यहां पर पढ़ना है कि ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम यहां पर कैसे टच करता है। पूरा एक एक एनसीईआरटी उठाओ, वहां से आप देखो पूरा कुछ नहीं हटा, ये डिलीटेड नहीं है चैप्टर नंबर 22, कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। अब देखिएगा, मैं बात करूं आपको तो भाई ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है बच्चा। अगर यहां पर आपको कुछ भी डाउट आता है, कैसा भी आपको क्वेश्चन पूछना है, कि कैसा भी आपको और वीडियो चाहिए, तो भाई यहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ में भाई इनको आप एक अपनी नोटबुक लें, और नोटबुक लेकर उसमें सिलेबस में डिलीटेड टॉपिक को लिख लें, और किताब आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आप निशान लगा लें, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा चेंजेस मैं सिंखोर एजुकेशन से ऑक्सीजन आपके लिए लेकर आ गया हूं। कहां पर विद इन यहां पर 2023-24 का सबसे बड़ा चेंज सिंखोर एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, सीबीएसई जो भी इंफॉर्मेशन देता है, हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चा, इस वीडियो को अगर पसंद आई तो जरूर से जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि इंफॉर्मेशन सभी को पहुंच सके और पर्टिकुलर सिलेबस वाइज हम स्टडी कर सके। तो दोस्तों धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच, थैंक यू।